नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। इस दौरान प्रदेश के कई जनपदों में झमाझम बारिश हुई और बारिश के बाद लोगों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आए, तो कहीं मानसून की पहली झमाझम बारिश से ही जल भराव की भी खबरें सामने आ रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते महोबा, झांसी, उरई, बहराइच, अयोध्या और श्रावस्ती समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रदेश के चार जनपदों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कानपुर, बुलंदशहर, लखीमपुर और अमेठी की तस्वीरें सामने आई है। लेकिन अगर बुलंदशहर की तस्वीर पर गौर करें तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं मन को खुश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिसमें मानसून की पहली बारिश में बच्चे भीगते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश का लुत्फ उठाते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। बदायूं के काशीराम कॉलोनी में पीने के पानी और गंदगी के अंबार ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल दी है। जिस काशीराम कॉलोनी में व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अफसर तीन टाइम दौड़ लगाते थे, अब वहां अव्यवस्थाओं की भरमार है। दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने वालों को पानी के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के अधिकांश नल खराब पड़े हैं। नाले और नालियां चौक पड़ी हुई है। सब कुछ जानने के बावजूद भी और ढेरों शिकायतों के बाद भी नगर पंचायत के जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है और लगातार जो जनता है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको तैरना नहीं आता और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से आप डरते हैं, तो अब आपके लिए घबराने की बात नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार श्रद्धालुओं को गंगा में सुरक्षित स्नान कराने के लिए पर्यटन की नई पहचान बनाने, खिड़कियां घाट पर, फ्लोटिंग जेट पर, बाथ कुंड, चेंजिंग रूम समेत कई सुविधा जल्द मुहैया कराने जा रही है। वह इस बारे में जानकारी देते हुए वाराणसी स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन ने बताया कि करीब दो साल की लागत से खिड़कियां घाट के सामने गंगा में फ्लोटिंग जेट पर बाथ और चेंजिंग रूम बनाया जाएगा, जिसमें दो बाथ कुंड होगा जो करीब 4 से 5 फीट गहरा होगा। इसके नीचे स्टेनलेस स्टील की जाली लगी होगी, जिससे कोई भी उसमें डूब ना सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आफताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आफताब जी, अगर देखा जाए तो अब लोगों के लिए गंगा में आस्था की डुबकी लगाना आसान होगा, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां योगी सरकार द्वारा की जा रही हैं? जी, आपको बता दें कि योगी सरकार गंगा में हर उम्र के लोगों को, दिव्यांगों की सुरक्षा श्रद्धा को डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। नमो घाट पर आपको बता दें कि फ्लोटिंग बाथ, कुंड जेटी, चेंजिंग रूम समेत कई सुविधाओं का जल्द से जल्द मुहैया कराने जा रही है। जी, आफ्ताब, अगर देखा जाए तो क्या क्या सुविधाएं इस दौरान लोगों को मुहैया कराई जाएंगी? अगर जैसे कि लोग नहाने में डर लगता है उनको, उस हिसाब से घबराते हैं, उसको लेकर के प्रदेश सरकार ने अब गंगा सुरक्षित स्नान कराने का प्रबंध कर लिया है, पर्यटक की पहचान बना लिया है। खिड़किया घाट जो कि नमो घाट है फ्लोरिंग की, उसमें जो है कि बांध, कुंड, चेंजिंग रूम समेत कई सुविधा जल्द मुहैया कराने जा रही है। काशी में अब माँ गंगा स्नान में विश्वनाथ दर्शन और सदियों से सनातनी परंपरा जो रही है उसको लेकर के, जैसे चना चबेना, गंगा जल व पुरेवा कतार, काशी, बहुत सी चीजों का जो है कि अब अलग तरीके से माँ गंगा काशी में विशेष महत्व दिया जा रहा है। और धन्यवाद आफ्ताब आलम इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संत कबीर नगर के कुआनो नदी में नहाने गए 6 युवक नदी में डूबने लगे, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से 3 लोगों का तो तत्काल रेस्क्यू कर उन्हें बचा लिया गया, तो वही अन्य 3 लोगों की तलाश में 18 घंटे से लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें 3 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, जिनको पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। लेकिन वहां पर डॉक्टरों के नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया और सड़क को भी जाम कर दिया। मैंने परिश्रम किए, शासन प्रशासन पूरा सहयोग किया, किसी प्रकार से अभी जाके 12 बजे लाश मिली है, जो अभी पीएम के लिए आई है, पीएम होने को जा रहा है। एक ही परिवार से जुड़े हुए 3 नौजवानों की मृत्यु नदी में स्नान करने के कारण हो गया है।
जो अत्यंत ही दुखद घटना है, जिसके नाते लगभग 18 घंटे तक NDRF और PSC की टीम लग के उसको लाश निकालने में पूरा जद्दोजहद हुआ। नदी में लाश नीचे बैठ जाने के कारण बड़ी मैंने परिश्रम किए, शासन प्रशासन पूरा सहयोग किया, किसी प्रकार से अभी जाके 12 बजे लाश मिली है। जो अभी पीतल नगरी के शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन ने दुनिया में मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन के द्वारा बनाई गई नक्काशी मटका को PM ने G7 शिखर सम्मेलन में जर्मन के चांसलर को भेंट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर इनको बधाई दी है, साथ ही PM मोदी का भी आभार प्रकट किया है। वहीं शिल्प गुरु का कहना है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगी प्रदर्शनी के स्टॉल में भी PM मोदी ने मटके को देखा और उसकी तारीफ भी की थी। मुरादाबाद और उनके लिए ये एक गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने उनकी कलाकृति को दुनिया के एक खास व्यक्ति को भेंट किया है। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से विख्यात रहा है और ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि यहाँ का मिशन हैंडीक्राफ्ट पूरे विश्व में उसकी अपनी एक पहचान है और उसका प्रमाण भी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें मुरादाबाद के जो इस मुरादाबाद से बना प्रोडक्ट है उसको गिफ्ट किया। ये हमारे जनपद गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद के युवाओं की शाखा बजरंग दल ने उदयपुर में हुए हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में बजरंग दल के लोगों ने पुतला दहन कार्यक्रम के जरिए दोषियों का पुतला फूंका। प्रांत सहयोग दुर्गेश त्रिपाठी ने इस दौरान कहा कि उदयपुर में दिन दहाड़े हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या का वीडियो भी जारी कर दिया गया। ये घटना बेहद ही निंदनीय है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में रहने वाले राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ मुद्दों को लेकर के जिहादियों द्वारा तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी एक बहुत हृदय विदारक घटना राजस्थान के उदयपुर में हुई है, जिसमें जिहादियों ने एक मासूम एक ट्रेलर मास्टर को उसके दुकान में घुस करके उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है। ये बहुत ही खेदपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बजरंग दल इसके कठोर शब्दों में निंदा करता है। इसीलिए आज बजरंग दल ने पूरे भारतवर्ष में आज जिहादी आतंकवाद के खिलाफ जो भारतवर्ष में फैल रहा है उसके विरोध में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और ये मैसेज देने का काम किया है कि जिहादी अब होश। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली में मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाश ने मां बेटी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वही दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया और पोस्टमार्टम के बाद मां बेटी का शव घर पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी मिलते ही SDM CO मौके पर परिजनों को समझाने बुझाने में जुट गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अगर देखा जाए तो बीते दिनों एक मां बेटी की निर्मम हत्या की खबर सामने आई थी, तो वहीं इस दौरान परिजनों ने क्या कुछ पुलिस से मांग उठाई है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें ये वाकई बहुत ही दुखद घटना है, जिस हाथ जो है महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है और परिजनों का यहाँ कहना है की 4 सूत्री मांगों को लेकर जो है अड़े हुए थे। और यहाँ तक जो है अगर बात की चर्चा करते हैं, आज सीताराम वर्मा विधायक थे, वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है 48 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तारी की जाएगी। आशुतोष, अगर देखा जाए तो उस पूरे मामले पर परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है? क्या परिजनों ने किसी पर अंदेशा जताया है इस हत्या को लेकर? जी अभी ऐसी तो कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही है, लेकिन जो इनकी 4 सूत्री मांगे हैं वो लगभग 50 लाख डिमांड कर रहे हैं और दूसरी जो है केशव प्रसाद मौर्य को भी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए बात की जा रही है। बिल्कुल आशुतोष, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कल एक ये भी खबर निकल के सामने आई कि परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था इस पूरे मामले के बाद, तो क्या अंतिम संस्कार किया जा चुका है अभी तक? जी अभी तक कल की डेट में अगर बात करते हैं 4 बजे तक शव का प्रदर्शन किया जा रहा था और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी वो आश्वासन भी दिला रहे थे
जो इस तरह के हरकत किए होंगे, जो भी किया होगा उसके हम गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराएंगे। लेकिन आज वही जगह पे जो है सीताराम वर्मा थे विधायक अपने क्या थे, वो वहां पे गए, उन्होंने परिजनों का आश्वासन दिया, 48 घंटे की मोहलत मांगे, 48 घंटे के अंदर जो है वो गिरफ्तारी की जो है मांग की गिरफ्तारी की जाएगी। जी धन्यवाद आशुतोष श्रीवास्तव इस खबर पर जुड़कर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अलीनगर गोंडा थाना इलाके के गांव हृदय की नगरिया के वर्तमान प्रधान महेंद्र सिंह और पूर्व प्रधान स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के बेटे अतेंद्र के बीच 4-5 दिन पहले किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बीते दिन शाम को अतेंद्र वर्तमान प्रधान के घर के सामने से गुजर रहा था। उसी दौरान वर्तमान प्रधान महेंद्र उसके बेटे ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पूर्व प्रधान के बेटे पर ईंट पत्थरों से हमला करते हुए उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अतेंद्र को उपचार के लिए मलखान सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और अब घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ही आरोपी पक्ष मौके से फरार बताया जा रहा है। कुशीनगर में पशु तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर छहू गांव में दबिश देकर पशु तस्कर के खिलाफ एक्शन लिया है। इस दौरान करीबन 43 मवेशी के साथ एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है और पुलिस अब शातिर अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी तैयारी में जुटी हुई है। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि ग्राम छहों में अमरीश यादव द्वारा भारी संख्या में गौवंशीय पशुओं को तस्करी हेतु ले जाने के लिए अपने अहाते में रखा गया है। ये सूचना प्राप्त होने पर थाना स्थानीय पुलिस तुर्कपट्टी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर दबिश और चेकिंग की कार्रवाई की गई, तो मौके से 2 पिकअप पे गौवंशी पशु लदे हुए थे तथा उसके अहाते में और पशु भी थे। कुल मिलाकर 43 राशि गौवंशीय पशु बरामद हुए हैं। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से 1 अभियुक्त चंद्रभान यादव अलीगढ़ के अदौन में ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारकर हजारों की नकली दवाइयां पकड़ी। बिना लाइसेंस के दोनों मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे थे, वहीं 2 अलग-अलग मेडिकल स्टोर से हजारों की पकड़ी गई दवाइयों के साथ दुकान को भी सील कर दिया गया है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर हेमेंद्र चौधरी ने बताया कि गाँव के लोगों ने लिखित शिकायत दी थी और शिकायत के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। तो अदौन में 2 दुकानों में छापेमारी की गई, जिसमें से 1 मुश्ताक और उस आरिफ नाम के दोनों व्यक्तियों पर कोई लाइसेंस नहीं था। इनमें 2 बोरियों की दवाइयां सील कर ली गई हैं और 2 सैंपल लिए गए हैं। आगे परिवाद भी दाखिल किया जाएगा क्योंकि इनके पास दोनों के पास लाइसेंस नहीं है और दवाओं के संदिग्ध होने की खबर अमेठी जिले से है, जहां पर 2 दिन पहले गोकशी करने का वीडियो वायरल हुआ था। गोकशी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं तत्काल आला अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को गोकशी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई भी अब शुरू कर दी है। इसी बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई और फायरिंग में 1 पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वही पुलिस की गोली से घायल हुए बदमाश के साथ उसके 2 साथियों को भी पकड़ लिया गया है और इन सभी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सर्विस लेन पर कल एक गोकशी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था बाजार शुक्ल में। उसका मुलजिम था शहजाद उर्फ टिड्डी सनफ नौशाद। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए घेरने की कोशिश की तो वो पुलिस बल पर फायर करके भागने की कोशिश करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें शहजाद के पैर में गोली लगी और उसके साथ 2 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उनको
कुशीनगर में जानकी नगर वार्ड नंबर 13 निवासिनी एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने जेठ और जेठानी पर दहेज के लिए उसे और पति को घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। इस मामले में स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवाहिता ने मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग उठाई है। ये की प्रॉब्लम है, वो दहेज के लेके मेरे जेठ जेठानी हमें टचर किए जा रहे हैं, घर में नहीं रहने दे रहे हैं लोग, हमारे पति को भी मारे हो रहे हैं लोग और हमें घर से निकाल दिए। और मेरे जेठ और जेठानी मेरे पति को जेठ मारे थे, और माया देवी और विनोद गुप्ता और मेरा देवर उपेंद्र वो भी उल्टा सीधा बोल कसियाँ के कसियाँ राम जानकी नगर के रहने वाले हैं। गाजियाबाद में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक समीर नाम के युवक ने नवाबजादे के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई है और उसने अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती को लगा लिया। गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने के साथ उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। जानकारी ये भी मिली है कि इससे पहले भी इस अकाउंट से हथियारों के साथ कई वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। एक गाड़ी में लाल बत्ती लगी हुई नजर आ रही है, वही गाड़ी के बोनट पर एक बच्चा भी बैठा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है और लगातार ये लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहा है तो पुलिस द्वारा इस युवक पर कार्रवाई कब की जाएगी। मैनपुरी में उदयपुर में हुए हत्याकांड का विरोध किया गया और इस मामले में हिंदूवादी संगठनों ने दोषियों का पुतला फूंककर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वही बजरंग दल और आरएसएस ने हत्यारों का पुतला फूंका। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग उठाई है। मामला ये उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या की गई और उसके बाद उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी बोला है कि इसी तरीके से उनकी भी गर्दन दे देंगे। मेरा उनको एक संदेश है कि अगर बहुत ही जल्द इस पर उन्होंने रोक न लगाई तो क्रिया की प्रतिक्रिया मिलेगी। अब ये आखिरी चेतावनी है, ये पुतला और ये निंदा अब आगे नहीं होगी। बाला साहब ठाकरे ने कहा था अमरनाथ यात्रा बाधित होने पे कि अगर आधे घंटे में हज यात्रा अमरनाथ यात्रा न खुली तो हज यात्रा का एक भी फ्लाइट नहीं उठेगी। वही मेरा कहना है कि कहीं भी हिंदू भाई की मृत्यु होगी तो अब जहां उनके समाज का व्यक्ति उनके समुदाय का मिलेगा प्रतिक्रिया मिलेगी। अब ये नहीं होगा कि तुम हमारे व्यक्तियों को मारो और हम। गाजियाबाद के सदर कोतवाली इलाके के विश्वेश्वरगंज ओवरब्रिज के पास तीन शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए चोरों में एक सराफा व्यवसायी भी शामिल है, जिनके पास से कई ग्राम सोना भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए की बताई जा रही है। साथ ही इन बदमाशों के कब्जे से चांदी भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए की बताई जा रही है। इसके अलावा एक बाइक, 2 तमंचा कारतूस के साथ तकरीबन 1 लाख की नकदी भी बरामद की गई है। मामले का खुलासा SP रामबदन सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। देखिए, कोतवाली क्षेत्र में बहुत दिनों से बहुत चोरियां हो रही थी, इसका हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि ये खुले। तो ये जो गैंग पकड़ा गया है इसमें 2 शातिर चोर हैं और एक जो इनका सामान चोरी का खरीदता है। इसमें एक छोटू बिंद है, एक सागर बिंद है, ये मिसरौलिया के रहने वाले हैं और यही का ही शहर का ही रहने वाला जो व्यापारी है। और इसमें जो छोटू बिंद है उस पर 23 मुकदमे हैं, सागर बिंद पे 28 मुकदमे हैं और ये जो व्यापारी जो खरीदते थे इस पर 14 मुकदमे हैं। इन सबसे करीब 87 ग्राम सोना बरामद हुआ है, 200 ग्राम करीब चांदी बरामद हुई है, जिसको इन्होंने गला दिया था, सारे आभूषण गला दिए थे ये, और 1,11,000। बदायूं बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सिसौली गांव में हाईटेंशन लाइन के गिरने से लगभग आधा दर्जन गायों की मौत हो गई, जबकि बिजली विभाग का कोई अधिकारी सूचना मिलने के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंचा। वह इस मामले पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जे से कई बार लाइन को ठीक कराने की शिकायत की गई थी, लेकिन लाइन ठीक करने के नाम पर जे ने 6,000 रुपए की मांग की थी और रुपए नहीं देने पर उसने लाइन तक ठीक नहीं कराई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ।
फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।